मित्रों आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज रात्रि 9 बजे लाइव होगा, तो आप सभी लोग भारी संख्या में लाइव पर जुड़ेंगे। उस पर सारी चर्चाएं होंगी कि आगे किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए और अभी तक सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपसे बात जो करने जा रहा हूं, आज मेरे एक बंधु का सवाल हमारे पास आया तो मुझे लगा कि जवाब आप लोगों को भी देना पड़ेगा। तो आज बात करेंगे मुकदमा को लेकर के, क्योंकि बहुत बार वीडियो बनाए लेकिन खासकर मुकदमा के लिए नहीं बनाए। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मुकदमा से फायदे हैं या नुकसान, या दोनों हैं, मतलब मुकदमा से फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। आज इसके बारे में भी बताऊंगा। मुकदमा से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, देखिए सब अपने भाई हैं, अपने बंधु हैं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। वो मुझे मानते हो तो बात अलग है, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपका जवाब पब्लिक में दूंगा। आपके मन में मुकदमा से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो या सवाई जेट, आप मुझसे पूछिए, आपका पूरा अधिकार है। आप अगर पूछेंगे नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे और उस कंफ्यूजन में आप हमें अपना दुश्मन मानते रहेंगे। इसलिए पूछना बहुत जरूरी है, कहते हैं ना कि मुंह पे बोलना जरूरी है, तो इसलिए आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते। जैसे आज एक भाई ने पूछा, बस्ती से ही है, सवाल ये था कि अनु भैया मुकदमा से आपको क्या एलर्जी या क्या दिक्कत है, क्या ऐसी समस्या है जो आप विरोध करते? सवाल बंदे का जायज है भाई, उसका जवाब देना मेरा फर्ज है, देना भी चाहिए। देखिए प्यारे मित्रों, एक बात समझिए, छोटी सी बात समझिए, मैं एक एग्जांपल आपको उदाहरण दे रहा हूं। चाहे मैंने बहुत पहले भी वीडियो में कहा था और फिर अभी भी कह रहा हूं, चाहे मुकदमा हो या हमारा धरना हो, जब तक जनबल नहीं होगा तो जीत कभी हो ही नहीं सकती। पहली चीज तो ये समझ लो। दूसरी चीज, जिस तरह से टुकड़ी टुकड़ी मेरी 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 नफरत और मेरा विरोध सिर्फ इसलिए है क्योंकि गैंग जो चला रहे टुकड़े टुकड़े, वो नहीं चलना चाहिए। एकजुटता में आओ। जैसे मान के चलो किसी ने 1486 का किया, किसी ने 200 का किया, तो किसी ने 400 का किया, किसी ने 100 लोगों का किया। ये टुकड़े टुकड़ों से आप ग्राम प्रहरियों का नुकसान कर। अब हम आपको बता दें कि मुकदमा करने के फायदे और नुकसान, ज्यादा लंबा नहीं वीडियो खींचूंगा। देखिए प्यारे मित्रों, एक बात समझना ध्यान से, ये वीडियो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि जो शायद आपके दिमाग के कंफ्यूजन को दूर कर देगा। देखिए फायदा तब होता है जब आपके पास जनबल हो। जनबल मीन्स मतलब जल्दबाजी नहीं करना है। मान लो अगर 70,000 ग्राम प्रहरी हैं, 30,000-40,000 लोगों का सर्वे किया जाता, उन लोगों के साइन कराए जाते, उन सबको एक साथ में लिया जाता, तब मुकदमा डाला जाता, तो हर किसी जेब पे ज्यादा भार नहीं पड़ता, 100-200 रुपए, 300 रुपए हिस्सा में लगता और मुकदमा इजिली जीता जा सकता था, इजिली जीता जा सकता था। ध्यान से समझिएगा। अब नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि मुकदमा से सरकार वेतन वृद्धि तो कर देती, बढ़ा देती, वेतन आपके खाते में भी आने लगता, लेकिन जो विधान और नियम है वो तो सरकार के हिसाब से ही चलता। भाई जैसे आज बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में समस्त चौकीदारों ने मिलकर के मुकदमा कर दिया। मुकदमा करने के बाद सरकार ने वेतन वृद्धि कर दी, बढ़ा दिया, सम्मानजनक वेतन दे दिया, लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने कहा बेटा तुम ऐसे नहीं तो हम तुमको ऐसे ठिकाने लगाएंगे। सरकार ने क्या किया? 2-3 साल के बाद सीधे रिजेक्ट, बाहर कर दे रहे हैं चौकीदारों। जरा सा बहाना आया, बेटा बाहर निकलो, जरा सी गलती की, बेटा बाहर निकलो। आज बिहार में वो हालात हैं कि बहाली और नियुक्तियों के लोग लिए लोग परेशान हैं, और जिनको निकाला गया उनको बहाल नहीं किया जा रहा है। तो भाई साहब नुकसान इसमें ये होता है, भाई आप सरकार के खिलाफ जाकर के सरकार से वेतन तो ले लोगे, लेकिन कितने लोगों के ऊपर शिकंजा होगा, कितने लोगों के ऊपर गाज गिरेगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। नुकसान ये है। लेकिन अगर मान लो आप सोचते हो कि चलो यार ठीक है, कुछ लोगों को चली जाएगी, चली गई नौकरी, लेकिन सम्मानजनक वेतन होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन यहां पर एक और बहुत बड़ा नुकसान है। नुकसान ये, जैसे ये लोग कहते हैं कि 45 लाख रुपए में मुकदमा हमने किया। भाई साहब पहली बात तो इतना खर्च किसी भी मुकदमे में नहीं आता, मैं आपको क्लियर बता दूं, नंबर एक। नंबर दूसरा, अगर हम मान भी लेते हैं, देखिए अगर ये कहते हैं कि नहीं नहीं मैंने यार घोटाला नहीं किया, लेकिन मैं तो कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, ये घोटाला किया गया है, लेकिन
हम मान लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, घोटाला नहीं किया गया, 45 लाख रुपए अगर आपने किसी को दे दिया हो या वकील को या खर्च कर दिया हो, आज अगर ये 70,000 ग्राम प्रहरियों ने मिलकर किया होता तो शायद इसी खर्चे में 70,000 लोग जब खड़े होते इसी खर्चे में, तो शायद मुकदमा अब तक जीता जा सकता। लेकिन जब आपको पता है कि आपके पास लोग नहीं जुड़ पाए तो आपको ऐसा ड्रामा करना ही नहीं चाहिए था। मैं अभी बार बार कह रहा हूं कि मुकदमा बुरा नहीं है, ना मुकदमा बुरा है ना धरना बुरा है। धरना में भी जनबल की जरूरत होती है, मुकदमे में भी जरूरत होती है, लेकिन जो फायदा और नुकसान है वो मैं आपको बता रहा हूं। और यही करवा सकता है, मेरा वीडियो उठा करके किसी भी एक से एक जो विद्वान आदमी दिखे उसको दिखा दीजिएगा कि मेरी बात को अगर कोई झूठला दे तब मानिएगा मेरी बात। तो भाई साहब, जो मुकदमा आप लोगों ने किया है ये ढकोसला है, इस ढकोसले से चौकीदारों का कहीं ना कहीं अनर्थ हो रहा है, क्योंकि वो 1486 के चक्कर में सरकार के इतने डंडे पड़े हैं। आप एक बात बताइए, सरकार कोर्ट की तब ना सुनेगी जब आपके उसमें दम हो, मुद्दे में। अब आपके मुद्दे में तो दम है नहीं, आप सरकार से कह रहे हो मैं 18,000 दे दूं, वो कहेगा भैया किस वजह से देते। जब तक आप सरकार से मिलोगे नहीं, सरकार से मनसा उसकी जानोगे नहीं, सरकार को अपना ब्यौरा नहीं दोगे तो काम नहीं चलेगा ना। नंबर अगर इतना ही प्रयास किया होता योगी जी से मिलने का तो भाई साहब 45 लाख रुपए में योगी क्या मोदी जी से भी मिल लेते, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया, ये दुर्भाग्य। भाई जब मैं मंत्री जी से मिलने गया, सुरेश खन्ना जी से, वहां चौकीदार मौजूद थे, पूछिएगा, उन्होंने एप्लीकेशन देखा, बोला अरे ये तो चौकीदारों का मामला है जी, कि ये बताइए जब उन्होंने मुकदमा कर रखा है तो उनसे बोलो मुकदमा से ले ले पैसा। उन्होंने ऐसा ही जवाब दिया, बात तो सही है यार। भाई ये बताइए, आपने 1486 लोगों का मुकदमा करके ये साबित कर दिया कि 70,000 ग्राम प्रहरियों के पेट पर लात मार दी। भाई अब तो वो सरकार इंतजार कर रही कि चलो भैया आप मुकदमा जीतोगे तब मैं दूंगा, लेकिन फिर भी सरकार का धन्यवाद हम करते हैं कि 14 सितंबर में हम लोगों ने आंदोलन किया, उस पर उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की और बजट को लेकर तैयारी कर रही है सरकार। बाकी बातें मैं लाइव में करूंगा, लेकिन जरा सोचो, हमने उस बंदे से यह भी कहा कि अगर देखे मैं दिसंबर तक लास्ट इंतजार कर रहा हूं, दिसंबर के बाद कोई ऑप्शन नहीं है, इसके पहले हमें महाआंदोलन कराना होगा, इसमें सभी लोगों को एकजुट आना पड़ेगा। आपने मुकदमा किया तो आप ठीक है किया, कोई बात नहीं, आप अलग, मतलब मुकदमा का मैटर अलग रखिए, पर धरने में शामिल होइए। मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर ये चाहते हो कि सारी गलतियां माफ की जाएं और सब कुछ कि ना उस पर टीका टिप्पणी की जाए, तो अभी भी वक्त है कि अगर आंदोलन या धरना किया जाता है वो अनु त्रिपाठी का आंदोलन नहीं है, चौकीदारों का आंदोलन है। बस मैं एक जरिया हूं, एक मार्गदर्शन देता हूं, लोगों को रास्ता बताता हूं, ठीक। तो आ करके सारे सुखवा गिला भुला करके आप धरना में शामिल होइए, 10-5 हजार की भीड़ इकट्ठा करिए, यहाँ हंगामा करिए, अपनी बात उठाइए, सरकार से मिलिए। अगर हमारा बजट दिसंबर तक हमारा लागू हो जाता है चौकीदारों का, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप लोग मुकदमे वापस ले लो। लेकिन अगर किसी भी कारण से होशियारी कर रही सरकार, ये कह रही नहीं आज नहीं कल नहीं परसों, जैसे पिछली बार किया था, तो उसका तरीका बस एक है, उसका तरीका ये एक है कि अगर आप हमारे साथ खड़े हो रहे हो जन आंदोलन में, तो दिसंबर के बाद हमारे सभी लोग आपके साथ खड़े होंगे और आपके मुकदमा का पूरा सम्मान किया जाएगा, और फिर हम भी धरना भरना सब बंद करके समस्त 70,000 चौकीदारों से आह्वान करेंगे, हाथ जोड़ेंगे कि सब लोग एकजुट एक मैदान में आओ, और चाहे भले 100 रुपए लगे, इससे 200 लगे, जो लगे, मिल करके एक साथ इसी मुकदमे में शामिल हो जाओ और मुकदमा देख लीजिए, गारंटी से जीत जाओगे। काम ऐसे किया जाता है यार, ये नहीं कि 45 लाख ठग लिया रहे यार, 1400 लोग, मतलब पता था कि 1400 लोग जुड़ पा रहे हैं तो मैं नहीं करना था ये सब, या सलाह मशवरा कर लेते। मैं सिर्फ इसके लिए, मैं मुकदमा खिलाफ नहीं, मैं खिलाफ इसलिए हूं कि सब सिस्टम गड़बड़ तरीके से किया जाता है। भाई पिछला वीडियो बनाया तो आप लोगों ने कहा कि देखो अनु त्रिपाठी जी मुकदमा का समर्थन करे, मैं तो आज भी समर्थन करता हूं भाई, लेकिन समर्थन तब करूंगा जब उसका तौर तरीका ढंग का हो, तौर तरीका ढंग का नहीं होगा तो विरोध करूंगा, लेकिन मेरा कोई दुश्मन नहीं है। और मैंने जो एक ज्ञापन डाला हुआ है 45 लाख को लेकर के, उसे इसलिए डाला है कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, क्योंकि आने वाले समय अगर वेतन वृद्धि हो गई तो ये पेश कर दिया जाएगा और फिर आपको जवाब देना मुश्किल होगा, इसलिए अभी भी मौका है कि सुधर करके चौकीदारों के भविष्य को मत खराब करिए, भाईचारा निभाइए, आइए गले मिलिए लोगों से, और अपने चौकीदारों के लिए अगर तुम कहोगे तो तुम्हारे सामने हम भी नतमस्तक हो जाएंगे भाई, इतना कर सकते हैं। लेकिन इतना भी मत करिए कि यार चौकीदारों का एकदम बिल्कुल सम्मान चला जाए,
रात दिन मेहनत की जा रही है, किस लिए की जा रही है? आप लोगों के लिए। फिर भी आप लोगों को राजनीति सूझ रही है, क्यों क्यों गड्ढे में डाल लो भाई? जो बता रहा हूं उस रास्ते पे चल के तो देखो यार, अच्छे अच्छे रिजल्ट आते हैं भाई। ठीक है बंधु, आज के लिए इतना ही, बाकी लाइव पे जुड़िएगा, सारी चर्चाएं होंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भाई अच्छा लगा वीडियो तो शेयर जरूर करना और अपनी कमेंट में राय देना। कोई मन में सवाल चल रहा उसका सवाल करना, हम जरूर आपको जवाब देंगे। बस आप लोग शेयर करा करो भाई, आप लोगों से निवेदन है, लेकिन आप शेयर करते हैं तो इस चैनल की वो कैपेसिटी बढ़ेगी आने वाले समय में, इसी चैनल से दो पैसा यार पैदा होगा तो कम से कम आप जैसे लोगों के लिए रात दिन में मेहनत कर पाऊंगा।